Good morning, everyone. So today I am going to explain you the second chapter of science, that is basic constituent of food. इससे पहले हम चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फूड क्या है, व्हाट आर द बेसिक प्राइमरी सोर्सेज ऑफ फूड एंड व्हाई फूड इज एसेंशियल इन आवर लाइफ. सो फूड की डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है. वट एवर द फूड वी इनटेक, वट एवर द थिंग्स वी इनटेक एंड वी यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी इज नोन एज फूड. क्लियर. जो भी चीजें हम लेते हैं, इनटेक करते हैं और उस चीजों से हमें एनर्जी मिलती है इज नोन एज फूड. फूड एज यू ऑल नो दैट फूड इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर बॉडी. जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने से हमें न्यूट्रिशन मिलता है. न्यूट्रिशन हम यूज़ करते हैं एनर्जी लेने के लिए. एनर्जी हम अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं. जैसे कि आप लोग पढ़ते हो तो पढ़ने में भी एनर्जी लगती है. सो उस एनर्जी, वो एनर्जी का सोर्स क्या है, जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. उससे पहले न्यूट्रिशन एक टर्म आपको दिख रहा होगा. व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय अवर ओन बॉडी इज रिफर्ड टू एज न्यूट्रिशन. क्लियर. जो जितना भी हम खाना ले रहे हैं या इनटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर रही है एनर्जी लेने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कह रहे हैं. अब इसके जो फूड के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, दैट इज सो देयर आर फॉलोइंग काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट ऑफ द फूड. एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट. बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, दैट इज प्रोटीन. प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, दैट इज विटामिंस एंड मिनरल्स. फोर्थ इज रफेज, फिफ्थ इज वाटर. सो यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड दिया हुआ है. इफ यू वॉन्ट यू कैन चेक डाउन द स्क्रीन शॉट ऑफ इट. कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर. ठीक है, फ्लो चार्ट में करके दिया हुआ है. एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट और फैट. बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स क्या है? प्रोटीन. प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स क्या है? विटामिंस एंड मिनरल. फिर रफेज एंड वाटर. सो पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे. किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन. सो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे दिया हुआ है. कार्बोहाइड्रेट जो है वो केमिकल कंपाउंड है. क्या है ये? केमिकल कंपाउंड. किससे बना है ये? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से. ये हमारे डाइट का एक मेजर पोर्शन है. जो हमारी डाइट होती है उसका मेजर पोर्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है. हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? ग्रेन्स से मिलता है, पोटैटोस से मिलता है और प्रोसेस फूड आइटम्स से मिलता है. प्रोसेस फूड आइटम्स की बात करें तो जितने भी पैक्ड फूड हैं उन्हें हम प्रोसेस फूड आइटम्स कह रहे हैं. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. पिज्ज़ा, बर्गर, जैम, जेली, नूडल्स विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट. आई नो कि बहुत सारे लोगों का खाने का मन कर गया होगा, बट कंट्रोल. सो इन सब चीज़ों से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है. सो नाउ कम्स, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज शुगर, स्टार्च एंड सेल्यूलोज. शुगर, शुगर कहाँ क्या है? बेसिकली शुगर जो है हमारे घरों में जो प्रेजेंट होती है, दैट इज पर्टिकुलरली शुगर. बट क्या हमें पता है कि जो शुगर है वो इज़ द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली? कैसे? क्योंकि जो शुगर है उसे हम स्वीट कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए हम उसे कार्बोहाइड्रेट का एक मेन पार्ट कहते हैं. किसमें फाउंड होती है ये शुगर? एविडेंटली पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा फ्रूट्स में एविडेंटली पाई जाती हैं, जैसे कि बनाना, मैंगो, ग्रेप एंड एप्पल. ठीक है, और हाई परसेंटेज ऑफ शुगर जो है वो जो हमारे घरों में जो कॉमन शुगर प्रेजेंट होती है उसमें भी होती है. जैगरी, दैट इज गुड़, उसमें भी शुगर होती है.
फिर मिल्क, शुगर केन, एवरीवन मस्ट हैव, सबने शुगर केन का जूस पिया होगा गर्मियों के सीजन में, तो उसमें भी शुगर कंटेंट होता है। फिर हनी, हनी इज़ द हेल्दीएस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, हनी इज़ द हेल्दीएस्ट फॉर्म ऑफ द शुगर। ये तो नेचुरल चीज़ें थी, लेकिन आजकल कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों में भी शुगर प्रेजेंट होती है, दैट इज कैंडीज एंड चॉकलेट, जो आजकल यू ऑल प्रेफर, चिल्ड्रन यूज टू प्रेफर कैंडीज एंड चॉकलेट्स, ठीक है, उसमें भी हाई अमाउंट में शुगर होती है। नॉट ओनली दिस, जो हमारा कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होते हैं ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर प्रेजेंट होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि दे ऑल आर अनहेल्दी टू ड्रिंक एट अ रेगुलर बेसिस। और ऐसी कौन सी शुगर है जो डायरेक्टली हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती है? ये तो हमने नेचुरल शुगर की बात कर ली, आर्टिफिशियल की बात कर ली, कैंडीज, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एवरीथिंग। नेचुरली कौन सी ऐसी शुगर है जो कि हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती है? दैट इज नथिंग बट द ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द शुगर है, हमारे बॉडी में डायरेक्टली डाइजेस्ट होती है। कैसे? जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के एक रिएक्शन करती है, और उस रिएक्शन में वो CO2, H2O और एनर्जी में ब्रेक डाउन होती है। CO2 यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O यहाँ पे वाटर है, और एनर्जी इज एनर्जी, क्लियर? तो CO2, H2O और एनर्जी में ये ब्रेक डाउन होती है, जिससे कि हमें डायरेक्टली एनर्जी मिल जाती है। तो ये था हमारा शुगर के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। फिर हम अब पढ़ेंगे स्टार्च। क्या पढ़ेंगे? स्टार्च। स्टार्च जनरली डज नॉट हैव एनी टेस्ट, क्लियर? और स्टार्च जो है उसकी कोई स्मेल भी नहीं होती है। सो हमें स्टार्च मिलता कहाँ से? जितने भी जो भी सीरियल्स होते हैं ना, उन सब में स्टार्च प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपके जो पोटैटो होता है उसमें स्टार्च होता है, सॉरी, जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स के एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? राइस। आगे हम राइस से एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। और स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है? पोटैटो में होता है। सो स्टार्च क्या करता है डाइजेशन के टाइम पे? वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में। किस में? ग्लूकोज में। ग्लूकोज फिर वही पहला वाला प्रोसेस ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर क्या होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। यहाँ पे इन्होंने स्पून फुल ऑफ बॉयल्ड राइस लिया है। बॉयल्ड राइस में इन्होंने एक आयोडीन सॉल्यूशन आता है, उसके 2-3 ड्रॉप ऐड कर दिए हैं, क्लियर? स्पून फुल ऑफ बॉयल्ड राइस, उबले हुए चावल, फिर उसमें 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, जो हमारे बॉयल्ड राइस है उनका कलर चेंज हो रहा है। जो कलर चेंज हो रहा है वो आयोडीन की प्रेजेंस, सॉरी, वो स्टार्च की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। क्या करता है? स्टार्च की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है और स्टार्च की प्रेजेंस को कन्फर्म करता है। सो दिस वॉज एन एक्सपेरिमेंट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च। और ये सेम एक्सपेरिमेंट आप एक ब्रेड की स्लाइस और पोटैटो के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी स्टार्च होता है। यू कैन परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट विद अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड पोटैटो ऑल्सो, सिंस स्टार्च इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्रेड एंड पोटैटो। नाउ कम्स सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज से हमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलती ह्यूमन बॉडी को, सो वी विल बी नॉट स्टडिंग न्यूट्रिशनल नाउ। We are going to study fats. What? Fat. Fat के बारे में हम पढ़ेंगे। Fat provides energy to our body. Fat जो है वो हमें सबसे ज़्यादा energy provide करता है। बहुत लोगों को ये confusion होती है कि उन्हें carbohydrate या protein से ज़्यादा energy मिलती है, but you are wrong. हमें fat से सबसे ज़्यादा energy मिलती है। Fat जो है हमारे body में energy provide कराता है when compared to carbohydrate and protein. Beside this, there are two types of fats, that is animal fats and vegetable fat. Animal fat, whatever we get from animal, vegetable fat, whatever we get from plants, ठीक है? Animal fat, milk, butter, ghee, meat, fish, etc. सबसे हमें fat मिलता है, we all know that. Vegetable fat, that is coconut, mustard, palm, sunflower, groundnut, nuts, etc. Nuts की जब भी बात आ जाए related to the dry fruits. इन सारी चीज़ों से हमें फैट्स मिलता है, और हमारे डाइट का ये बहुत ज़्यादा मेजर कंपोनेंट और मेजर पार्ट है। कोई भी फूड हमारे लाइफ में जो है वो इन सारी चीज़ों के बिना नहीं है।
ठीक है, बिना मिल्क के, बटर के, घी के हमारा फूड प्रिपेयर नहीं होता। इवन सेम गोज विद द ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट मस्टर्ड ऑयल में ही हमारे यहाँ मोस्टली घरों में फूड प्रिपेयर होता है। सो हमें ये एज वी ऑल नो दैट कि जो फैट है अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले तो इट कैन बी अनहेल्दी ऑल्सो। सो हमें ये बहुत रिक्वायर अमाउंट में लेना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। फैट जो है उसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी प्रेजेंट होता है। सो दीज केमिकल आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली इन द दीज केमिकल्स आर एब्जॉर्ब बाय अवर बॉडीज। ठीक है, तो जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं ये हमारे बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। नाउ कम्स प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारे बॉडी का बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है। प्रोटीन हमारे बॉडी में ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है। ये हमारे बॉडी के जो सेल्स और टिश्यू होते हैं उसके रिपेयर में हेल्प करता है, और ये डिजीजेस से और इन्फेक्शन से फाइट करता है प्रोटीन। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ फोर कंपोनेंट्स, दैट इज फोर थिंग, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आई रिपीट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस। ये चार आपके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट थे एंड द टू अदर आर ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सल्फर, फॉस्फोरस। टोटल फोर थिंग, तो इट इज मेड अप ऑफ टोटल सिक्स थिंग्स इट इज मेड अप ऑफ यूजिंग कंबाइंडली सिक्स थिंग। ठीक है, जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से बनता है। अमीनो एसिड क्या है? एक स्मॉल यूनिट है प्रोटीन की। अब स्मॉल यूनिट को हम कैसे समझेंगे? कई सारे अमीनो एसिड जब मिल जाते हैं, जब ज्वाइन होते हैं, उनकी एक चेन बनती है, तो वो प्रोटीन बना लेती। क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। अब इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि हमें 10 रुपीज चाहिए और हमारे पास 10 रुपीज नहीं है, लेकिन हमारे पास 1-1 रुपी के 10 कॉइन है। तो हम उन 1-1 रुपी के 10 कॉइन को ज्वाइन कर लें अगर, तो क्या हमारे पास 10 रुपीज हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। उसी तरीके से हम अमीनो एसिड के कई सारे यूनिट को जोड़ करके प्रोटीन बना लेते हैं। ठीक है, लाइक फैट प्रोटीन्स आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू एनिमल प्रोटीन्स एंड वेजिटेबल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन्स जो है आपका वो मिल्क प्रोडक्ट्स से ऑब्टेन होता है, दैट इज चीज, बटर, घी एंड कर्ड ऑल्सो। साथ ही साथ एग से, फिश से, मीट से, एग वाइट जो होता है उसमें प्रोटीन होता है, फिश फ्लैश जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है, मीट में भी प्रेजेंट होता है ये। दीज आर ऑल कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन। क्या कहते हैं इन्हें? फर्स्ट क्लास प्रोटीन। फिर वेजिटेबल प्रोटीन्स क्या आते हैं? वेजिटेबल प्रोटीन्स आर ऑप्टेन फ्रॉम पल्सेस। कहाँ से ऑप्टेन किया जाता है इनको? पल्सेस से ऑप्टेन किया जाता है। सोयाबीन से ऑप्टेन किया जाता है, नट से ऑप्टेन किया जाता है, और ग्रेन्स से, दैट इज वीट, राइस, मेज, बाले एक्सेट्रा। इनको हम क्या कहते हैं? सेकेंड क्लास प्रोटीन, क्योंकि इसमें कोई ऐसे बहुत ज़्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते हैं। सो अगर हम इन सब का कंपेरिजन करें तो जो हमारे घर में पल्सेस होती हैं, दैट इज द दाल, उसमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोटीन मिलता है। क्लियर? सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगी। आप क्या करिए कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का 3 कॉलम बनाइए। तीनों कॉलम्स में राइट डाउन द 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। जस्ट राइट डाउन द 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच एंड डू कंप्लीट योर होमवर्क। ठीक है, आई रिपीट द होमवर्क। मेक अ कॉलम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच एंड सबमिट इट इनटू योर रिस्पेक्टेड ग्रुप्स। ठीक है, एंड डू कंप्लीट योर होमवर्क टिल इवनिंग 5 o'clock। ओके, एंड आई विल बी चेकिंग योर होमवर्क। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। वी विल बी कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।